गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए ढेर सारा मेरा आपकी ओर प्यार। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर चाय पीने से भी पैसे मिलते हैं, यानी कि जितना प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा और आप अपनी लाइफ को बढ़िया और कर सकते हो। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, चलो विश यू वेल्थ। ये रास्ता सिर्फ मेरे लिए बनाया है और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मुझे ही मिला है, ऐसा आप लोग भी मान सकते हैं। मैंने माना और ठान लिया, उसी टाइम स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मंथ का चेक था मेरा 19 रुपए का। कितने का? काफी साथी हंसे, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया, कहता 19 रुपए में क्या होगा। तो मैं उनसे एक ही सवाल किया कि दोस्त सुबह आपने भी नहाया होगा? बोला यस मैं नहा के आया हूं। ने बोला आपने भी चाय पिया होगा? यस मैंने 2 कप चाय पिया। ने बोले आपने भी सुबह ब्रश किया होगा? बोला यस ब्रश करता हूं, डेली ब्रश करता हूं। मैं बोला गुस्सा नहीं होना है, मैं एक बात पूछ रहा हूं सिंपल। मैंने बोला आपने भी नहाया? मैंने भी नहाया। आपने भी चाय पी? मैंने भी चाय पी। आपने भी ब्रश किया मुंह धोया? मैंने भी ब्रश किया मुंह धोया। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? तो पता चला 0। मुझे समझ में आ गई कि सामने वाले को जवाब कैसे देना, क्योंकि मेरी इनकम तो बड़ी है नहीं, इनको मैं बड़ा बात तो बोल नहीं सकता, इसी बात से उनको चुप कर सकता हूं। राइट? मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या बोलना है लोगों को, और ये सच्चाई था। सामने वाला जवाब नहीं दे पाया, चुप हो गया। मैंने बोला आपके अकाउंट में कुछ नहीं आया है और ना कभी आएगा। मैंने सिर्फ एक दुकान बदल दिया है, एक ब्रांड बदल दिया है और एक डिसीजन ले लिया है। वो डिसीजन लेने का, दुकान बदलने का नतीजा है कि फर्स्ट मंथ का चेक मेरा 19 रुपया आया। मैंने बोला 19 रुपये हो सकता है आपके लिए हो, लेकिन मेरे लिए ये 19 लाख से कम नहीं लगता है। इसी तरीके से कारमा बढ़ता गया, लगातार लगातार मैं ऐसी मीटिंग में आता गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी 0 था, मैं ज्यादा बड़ा कुछ कर नहीं सकता था, तो मुझे सीखना बहुत जरूरी था। राइट? सीखना जरूरी होता है ना, क्योंकि सीखता है जो वही रन में या बिजनेस किसी फील्ड में जीतता हुई है। राइट? तो मैं सीखना शुरू किया, कोई भी मीटिंग मैंने मिस नहीं की, कोई भी सीएनटी मैंने मिस नहीं किया, कोई भी मोहम्मद मैंने छोड़ा नहीं, कोई भी काउंसलिंग मैंने छोड़ा नहीं। बस एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे इस माहौल का हिस्सा बनना है, मीटिंग का हिस्सा बनना है, क्योंकि कामयाबी मुझे चाहिए तो कामयाब लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, तभी मुझे कामयाबी मिलेगी। बाकी लोग तो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरे पास तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, तू सिलाई करता है, तू टेलर मास्टर है, तू टी शर्ट बेचता, तू क्या करेगा। वो इस तरीके से बात किया करता था, लेकिन जो लीडर यहां होता था वो कहता था मोहित तुम कर सकते हो, तुम कर ले सकते हो, तुम आने वाला टाइम में लाख रुपए अर्निंग ले सकते हो। तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी, मुझे लीडर की बात समझ में आती थी। मैंने ओनली नेगेटिव चीज को इस कान से सुना, इस कान से बाहर फेंक दिया। कुदरत ने 2 कान दिए ना, किस लिए? एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए। राइट? अच्छी बात हो उसको रख लो, जो गलत बात हो आपके काम का नहीं उसे निकाल के बाहर फेंक दो, उसको दिल पे मत लो। राइट? क्योंकि दिल पे लेने से नुकसान आपका ही है। यस कि नो? अगर कोई कह दिया तू नहीं कर सकता, तो बताओ नुकसान किसका होगा? किसका होगा? खुद का ही होगा ना। दोस्त, मैंने उनकी बात जरा सा भी नहीं सुनी, पॉजिटिव माहौल में रहने का कोशिश किया, पॉजिटिव माहौल में रहने लगा, पॉजिटिव बातें करने लगे, क्योंकि सोचने का बहुत बड़ा जादू था। जैसे बर्फर ने बताया, सब कॉन्सेप्ट माइंड और कॉन्सेप्ट माइंड में क्या फर्क होता है, ये चीज मैं मीटिंग में जाके ही सीखा, घर पे सीखने का मौका नहीं मिलता। यस कि नो? घर पे हाथ में रिमोट होता है और बच्चे साथ में होते हैं और सामने खूबसूरत सी बीवी भी होती है, काफी बातें बोलती है, कभी राशन खत्म हो गया, कभी सब्जी नहीं है, कभी अंडे ले आओ, कभी ये कर दो, ये दे दो। इसके अलावा और कुछ जीने का मौका मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो मुझे पता चला कि मुझे जानना क्या चाहिए, मेरी जिंदगी के लिए जरूरी क्या चीज है, मुझे क्या चीज चाहिए, इसके लिए मुझे यहां पर
जरूरी है क्योंकि जब तक मैं यहां नहीं आऊंगा मेरे पास कामयाबी नहीं आएगी। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? वाह, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ऊपर वाला देख रहा है तो हाथ तो बोल रहा है। जो मैं करता हूं वही बताता हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई से बहुत भरोसा है। अब मुझे खुद पे भरोसा, मैं किसी और पे भरोसा नहीं, मैं सबसे पहले खुद पे भरोसा करता हूं, क्योंकि खुद पे भरोसा होगा आपको तो खुदा भी आपके साथ होगा। किंतु खुद पे भरोसा नहीं होता ना, कोई उनके साथ नहीं होता, ऊपर वाला देख रहा होता है कि ये क्या सोच रहा है, अब बोलता क्या, सोचता क्या। यस यू नो, जिसको खुद पे भरोसा होता है ना तो कुदरत देख लेता है इनकी नीयत अच्छी है, इनको वो चीज चाहिए, इसीलिए बार 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 उसी चीज के लिए प्रयास कर रहा है तो इसको दे देना चाहिए। यस यू नो, जिद्दी बन जाओ, जिद्दी बन जाओ, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। दोस्त आज 4.5 साल का सफर है, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, 19 रुपए का कारमा स्टार्ट हुआ और अभी हाईएस्ट पीओट मेरा 2,85,843 रुपए। ये सब माइंड कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट माइंड का नतीजा है, राइट? वो चीज मुझे समझ में आ गई। आज 4.5 साल का सफर है, 22 साल में एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था और 3 साल में चीज के अंदर जैसे हुआ, मेरा पूरा कंपनी एक कार दिया गिफ्ट में जिसका नाम है i20 टॉप मॉडल का। और आपके सामने बाहर खड़ी है, आप देख सकते हैं उसको जाके, और उसको मैंने ठोका बहुत ज्यादा क्योंकि कभी मोटरसाइकिल चलाया नहीं था, अब मिल गए 4 चक्का, अब इधर ब्रेक दबाने की जगह एक्सीलेटर दब जाता था, अब कभी भी यहां संभल में आता नहीं था, बहुत सोखा, लेकिन अब सुरक्षित है। दूसरा, 22 साल में आगरे का ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला दोस्त, आज 4.5 साल के सफर में देश विदेश घूमने का मौका मिलता, लंदन, दुबई, स्कॉटलैंड, अभी यहां पे ताइवान, फरवरी में हम लोग साथ अपने टीम के साथ जा रहे हैं। आज 22 साल में 1 घंटे का टाइम नहीं था, आज मैं टाइम का राजा हूं, भरपूर टाइम का राजा हूं। ऐश्वर्या राय आती है और कहती है मेरे सुंदरता का राज, मैं क्यों बोलूं? मुझे पैसे देती है क्या वो? थैंक यू। एक चीज बताओ, क्या साबुन लगाने से गोरा होता है लोग क्या? नो। सच है ना, अगर ऐसा होता तो सारा साबुन साउथ अफ्रीका चला जाता, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले गोरा मैं हो जाता, क्योंकि दिन में 3-3 बार लगाया, घिस घिस के लगाया, कभी गोरा नहीं हुआ, लेकिन वेस्टीज का साबुन यूज करके हैंडसम जरूर हो गया। बस एक ही चीज समझ में आई दोस्त, कि दुकानी तो बदलना है, दुकान बदलने से लाइफ बदलती है, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत काम तो वेस्टीज है, सिंपल सा काम। दुकान बदलना आसान काम है, मुश्किल है? आसान। आसान काम आप करो, मुश्किल काम मेरे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। आपसे लोग नहीं सुनता ना, इसी माहौल में लाके बैठा दो, बैठा सकते हो? कितने लोग बैठा सकते हो? सारे लोग? अगर सारे लोग बैठा दिया दोस्त, तो मैंने अभी जो शब्द बोला था डबल इन्वर्सर ग्राउंड, आप सब बनने वाले हैं और आपके टर्न में डबल इन्वर्सर ग्राउंड बने। मैंने भी वही किया जो मैं बता रहा हूं, मैंने भी देखा पढ़ाई लिखा तो मुझे आता नहीं, फॉर्म भरना आता नहीं, कभी स्कूल गया नहीं तो भरूंगा क्या, मैं किसी का
लोग नहीं भरा, लोगों ने भरवा भरवा के भरवा भरवा के भरवा भरवा के 5% से क्राउन बन गया। मैंने डिसीजन ही तो लिया, 22 साल हमने काम किया, गधे के जैसे खटखट के काम किया, लेकिन मेरा रिश्तेदार भी नहीं जाना कि मोइन है कौन। 4.5 साल स्मार्ट बन के काम किया, कोट पैंट पहन के आज पूरा हिंदुस्तान जानता कि मोइन ये। अब बताइए, मैं सुबह 9 बजे जाता था, रात में 12 बजे से पहले कभी नहीं आया, तो क्या हालत थी मेरी आप समझ सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। और आज देखो, कभी लाइफ में 22 साल में कोट पैंट पहनने का नहीं सोचा था, लेकिन 22 साल में आज 4.5 साल में आज देखे हैंडसम बन के खड़ा हूं। थैंक यू। क्या ऐसा लाइफ चाहिए आपको? Yes. चाहिए? Yes. तो क्या करना होगा? ईमानदारी से अपने दुकान को बदलना है, ईमानदारी से अपनी सोच को बदलना है, ईमानदारी से डिसीजन लेना है, और मानना नहीं दोस्त, एक बार ठान लेना है। Yes. Yes. ठान लेना है। ठान लिया तो गारंटी दिलाता हूं कामयाबी आपका होगा, कामयाबी आपका। सोच के देखो, जिसको फॉर्म भरना नहीं आता लड़के को, ये लड़का जब करके इतना बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है लोगों से भरवा के फॉर्म को, आपको तो फॉर्म भरना आता है, मेरे से कई गुना ज्यादा कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। यस आपका राइट। बस सही प्लेटफॉर्म का तलाश था मुझे, कि प्लेटफॉर्म मुझे सही मिलना चाहिए। यहां पे समझ में आया पहली बात कि दुकान बदलना है, दूसरी बात समझ में आया 1 रुपये किसी का लगाना नहीं है, ना किसी का लगवाना है। अब किसी का लगाने की बारी आती है तो लोग थोड़ा सा, जब लगता ही नहीं है तो टेंशन क्यों लेते हो? बस मेहनत करने की बारी है। कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं? Yes. 10 तारीख से पहले अभी 2500 का स्कीम चला हुआ है, पता है आप सबको? Yes. 2500, 6 महीना आप खरीदो अपने घर के लिए प्रोडक्ट जो बाहर से नहीं खरीदते थे, वो पैसा मेरा खर्च होता था, उसका कभी रिटर्न नहीं आया। अब वही पैसे को मैं अपने सिस्टम से खरीदता हूं, अपनी जरूरत का चीज, चाय तो पहले भी पीता था, साबुन तो पहले भी लगाता था, पेस्ट तो पहले भी यूज करता था, यस यू नो, लेकिन आज तक मेरे घर में अकाउंट में कुछ पैसा नहीं आया, मेरे अकाउंट से चला गया, दूसरे का अकाउंट भर गया। लेकिन मैं इस चीज का जब से यूज करने लगा हूं, जब से मेरा अकाउंट खाली नहीं होता, मेरे अकाउंट ही भर जाता है, एक खाली नहीं होता दूसरा भर जाता है, एक खाली नहीं होता दूसरा भर जाता है। किसका चाय पीना चाहिए? Yes. एक बार सब बोल सकते हैं क्या? Yes. मेरे साथ बोल सकते हैं एक साथ? Yes. चाय किसका पीना चाहिए? वेस्टीज का? Yes. साबुन किसका लगाना चाहिए? वेस्टीज का? Yes. पेस्ट किसका यूज करना चाहिए? Yes. वेस्टीज का। राइस ब्रांड ऑयल किसका यूज करना चाहिए? Yes. वेस्टीज का। खाओ भी, सेहत भी अच्छा और उधर अकाउंट भी अच्छा। सेहत भी मिलेगा, अकाउंट में पैसा भी मिलेगा, और लेवल भी मिलेगा, और हाथ में बैंक भी मिलेगा। यस। तो कहां से लेना चाहिए? वेस्टीज से या बाहर से? वेस्टीज से। गीत गालो कि मुझे वेस्टीज के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना। गीत गालो, अपने गुनगुनाते रहो कि ये वेस्टीज का साबुन नहीं है, ये मेरे बच्चे की बदलने की फार्मूला है। उस साबुन को ऐसे किस करो ना, क्या फर्क पड़ता है यार। आज मेरे बच्चे जब कार पे बैठते हैं, हैंडल को ऐसे मोड़ता है ना, ऐसे मोड़ता है ना, तो दिल को मेरी ठंडक पहुंचती है, और मैं अपने आप से बात करता हूं कि मोइन देख, देख मोइन देख, तूने 22 साल काम किया, एक मोटरसाइकिल अपने लिए नहीं ले पाया, लेकिन 4.5 साल में आज तेरा बेटा I20 टॉप मॉडल का कार का हैंडल मोड़ रहा है, वो भी अपने कार। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता क्या ये सब होता? No. अगर डिसीजन नहीं लेता क्या मैं यहां पहुंचता? No. क्या दुकान नहीं बदलता? क्या ये मुकाम मिलता? No. क्या दुकान बदलना चाहिए? Yes. कितने लोगों को बदलना चाहिए? Yes.
मेरी शुभकामना आप सबके साथ है, 100% सबकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजिंग आने वाला है। लोग पूछते हैं मोइन तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है, लोग बहुत सारे सवाल करते हैं ना कि मोइन तुम्हारा सक्सेस का राज क्या है, हाईएस्ट प्योर दिखाओ कितना है, हाईएस्ट इनकम मेरा 4.5 साल में बहुत सबसे बड़ा इनकम दिखाओ। yes. हाँ जी yes. देखना चाहते हैं yes. बंद कर दिया क्या? ओके प्रोजेक्टर को निकाल दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं है, आपने तार निकाल दिया है नीचे से, चलो कोई बात नहीं है। कितने लोग यूट्यूब चलाते मोइन, क्या बोल रहा है एमडी मोइन बोलोगे वो तुरंत में मेरी वीडियो को थर्ड से भेज देगा आपके पास। जो भी वीडियो देखना है उंगली ऐसे दबाओ क्लिक चालू हो जाएगा मेरा वीडियो, अब देख लो और दिखा दो दूसरे को। यस ये है सक्सेस, ये है कामयाबी कि ये लड़का अगर खुद को देखना तो शाबाशी देना अपने आपको वही दे बोल सकते हैं yes. अगर किसी को दिखाना है ना तो उसको उंगली करके दिखाना, देख 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 इसको पढ़ना नहीं आता वो इतना बड़ा इनकम ले रहा है, तुझे तो पढ़ना आता है, हम दोनों भाई मिलकर करेंगे धूम मचा देंगे, इनसे बड़ा चीज लेके दिखाएं। yes. 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 कर सकते हैं yes. कर सकते हैं yes. इतना कर सकते हैं yes. अगर इतना कर लिया तो क्राउन यूपीडी डबल क्राउन तो आप ही का है, आप ही सबका है, आप ही सबका है। ओके पर दिल से करिए, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। नेक्स्ट मीटिंग हम 24 तारीख को करेंगे इसी हॉल में। हाँ जी ओके हाँ, एक मीटिंग 24 को होगा और एक 10 को होगा, दो मीटिंग है और अपना जितने लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, जितने लोग अपनी बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा भी मनपसंद चेक हो, मेरा मनपसंद कार हो और हर साल में 2 बार विदेश जाने का मौका मिले, कितने लोगों को अच्छा लगेगा? सभी को लगेगा yes. पक्का ओके yes. okay, सब बैठ जाइए, सर बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज प्लीज, लड़ाई ब्रेक के बाद yes. अच्छा लगता